अज फिर कुछ चैलेंज आ गए ने साडे सामने जेडे कि वध के उदो सिर्फ अतवाद कल्ले सी, आज अतवाद हैगा, माफिया हैगा, ऑर्गेनाइज क्राइम अलोंग विथ नारकोटिक्स ड्रग्स। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉकटेल ऑफ नार्को, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, इतना का हिस्सा हैगा। सब तो बड़ा इहदा उदाहरण जड़ा है, जड़ा सबूत मिलिया सानू लुधियाने जड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स च ब्लास्ट होया है। बट आई एम प्राउड टू से दैट दी पंजाब पुलिस टीम विद ईच एलिमेंट ऑफिसर्स, द लोकल पुलिस, द फोरेंसिक साइंस टीम विद द सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, साढ़े इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट्स, दे हैव डन एन एक्सलेंट जॉब एंड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के विच विच अनरेवल किया इनू। द लुधियाना ब्लास्ट वॉज अ वेरी पावरफुल ब्लास्ट, वी आर ऑल वंडरिंग की गल है कि क्यों उत्थे जाके इन्ना पावरफुल ब्लास्ट, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट। द मेन थिंग इट टर्न आउट फाइनली, मौके से सानू काफ़ी उत्थे लीड्स मिले ने। आई सपोज यू वुड हैव सीन दैट वी फाउंड सम टैटर्ड क्लोथ्स, गारमेंट्स, अ सिम कार्ड, मोबाइल फोन एंड द टैटू ऑन द आर्म ऑफ द डिसीज्ड। मौके का मुलाजा करके मैं आप गया सी, माननीय साढ़े सीएम साहब भी गए सी, होम मिनिस्टर साहब भी गए सी, अपने अफसरों नाल, फोरेंसिक साइंस टीम नाल जायजा करके सानू ये लग्या कि जिहड़ा डिसीज्ड है ही वॉज कैरिंग द एक्सप्लोसिव, बट दैट वॉज एन इनिशियल असैसमेंट। जिवें जिवें साडी इन्वेस्टिगेशन अगे वधदी गई, सानू यकीन हो गया कि यस दैट वॉज द करैक्ट पिक्चर व्हाट एक्चुअली हैपन्ड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act. The STF under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. Us vele e thana sadar da munshi hunda si, 385 gram heroin ede kolo milya, ede naal saathi si ede Amandeep and Vikas jinna kolo 400 gram हीरोइन होर मिलिया सी। दो साल जेल ते रहन तो बाद गगनदीप बेल होया, इहदे ट्रायल चल रहे सी, बल्कि 24 तरीक ट्रायल सी ते अगला तरीक 3/2/2022 सी फरवरी च। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट प्रोबली जेल दे विच इहदे जिन्हां नाल तालमेल होया, he transitioned from just narcotics to mafia to drugs. Now this is a very dangerous combination jada samne saade aaya. This is going to be a very major challenge for us, but however ede naal jede bande si we have tracked out for reasons of the expediency ki saadi investigation ga nikle, main zyada kuch nahi das sakda, but ina de links जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स, विच विथ टेरर आउटफिट्स, विथ माफिया आउटफिट्स, एज वेल एज नारकोटिक स्मगलर्स, ये उभर के आया सामने। जिवें जिवें डिटेल्स आन गए वी विल बी प्रोवाइडिंग दैम टू यू।
But I must congratulate my entire team of Punjab Police for this major, major achievement. एक घटना हुई सी दुखदाई साडे हरिमंदर साहब श्री हरिमंदर साहब स्वर्ण मंदिर जी अपने अमृतसर च इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सैंक्टम सैंक्टोरम अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वी आर ऑल अवेयर वी रजिस्टर्ड अ केस ऑफ सैक्रिलेज इन दैट कि सचखंड च जिवें होया वी हैव ऑर्डर्ड We have set up a special investigation team under the Deputy Commissioner of Police Law and Order and the ADCP and another ACP of Amritsar and they will be giving us the report shortly. We are still not hale tak deceased identify nahi hoya but we are in the process of doing that. We are hopefully we are studying the CCTV cameras, the images. And whatever other inputs we are getting, so we are in the process of doing that. A third incident which took place was at Kapurthala, where एक मकान सी ग्रंथी सी पार्टी सी उन्हें अपने मकान से प्राइवेट गुरु साहब की प्रकाश की सी सो ही क्लेम्ड इट्स गुरुद्वारा बट इट वॉज नॉट रेगुलर गुरुद्वारा प्राइवेट गुरुद्वारा साहब से रखिया सी उत्थे भी यही एलीगेशन आया कि बेअदबी हुई है गुरु साहब नाल पर जिवें वी रजिस्टर्ड अ केस ऑफ सैक्रिलेज इन कपूरथला ऑलसो पर जिवें जिवें साड़ी तफ्तीश वधदी गई इट टर्नड आउट दैट इट वॉज नॉट अ केस ऑफ सैक्रिलेज लगता कि चोरी करन दे नीयत नाल वो शख्स अंदर गया सी उस तो बाद वो दे नाल जड़ा होया बहुत ही दर्दनायक बहुत ही दुखी घटना सी विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड एंड दिस इज समथिंग आई वुड लाइक एक गल असी दसना चाहवांगे कोई भी अपने हाथ से कानून ना लेवे प्लीज डू नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स पुलिस हर वेले है हर मर्यादा का ध्यान रखेगी इत्थे भी असी गुरु साहब की मर्यादा का पूरा ध्यान रख रहे हैं वी हैव नाउ रजिस्टर्ड अ केस आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन असी कोई काली नहीं की थी. कि कोई गलती ना होए साडे अफसर बड़े मच्योर ने उन्होंने ध्यान नाल देखिया वीडियो कवरेज मौके ते विटनेस नाल सारे नाल गलबात करके पता लग्या बेअदबी दी बिल्कुल कोई भी गल नहीं सी उत्ते मौके ते कपूरथला वाले इंसीडेंट च जिस करके उत्ते फाइनली जिस बेरहमी नाल उस शख्स नूं मारिया गया 302 दा परचा दर्ज होया एंड द मेन अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड एंड द लॉ इज टेकिंग होर भी उस च इन्वॉल्व सी बंदे दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड लॉ इज गोइंग टू टेक इट्स ओन कोर्स सो दीज वर द इमीडिएट थ्री इंसिडेंट्स विच वी वर फेस्ड विद द मेन चैलेंज लाइंग अहेड ऑफ अस साडे सामने हैगा पंजाब दा चुनाव द असेंबली इलेक्शंस साडे फोर्स दी पंजाब पुलिस दी पूरी कोशिश है शांतिपूर्वक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जान कोई भी भय दा कोई भी डर दी फीलिंग ना होए इहदे वास्ते आई हैव हैड अ डिटेल्ड कॉन्फ्रेंस विथ माय कमिश्नर्स अलोंग विथ माय सीनियर ऑफिसर्स इत्थे हेडक्वार्टर च ऑल एसएसपीज रेंज डीआईजीज आईजीज वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव बीन पास्ड that the police has to get active the presence of the police has to be seen is karke to create a secure environment lokan de dimag ch ek security di bhavna aa jave individual security to hatke assi secure environment wal jana chahnde hain so I have directed jinna ho sake individual security nu ghataya jave kyunki individual security is not a replacement for A secure environment. So, ਭਾਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਰ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਬਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬਰੀਫਡ ਆਲ ਮਾਈ ਆਫਿਸਰਸ ਦ ਵਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨ ਔਨ ਦ ਰੋਡਸ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ wherever required markets court complexes crowded places
जितने हो सके काइंडली तुम्हें शक होए योर सिक्योरिटी और सीक्रेसी विल बी मेनटेन्ड, प्लीज प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट किसी दे नाल रंजिश से कोई इतला ना देवे। देखो वी हैव टू इंप्रूव एज अ सोसाइटी, या अपनी आपसी रंजिश आप कड़न लग जाइए साडा टाइम बर्बाद होएगा, वी विल बी इन अ ह्यूमिलेटिंग पोजिशन, किसी का नुकसान होएगा। आई वुड रिक्वेस्ट द पब्लिक टू टर्न रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योर एज अ पीपल एज अ स्टेट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो मेरी बेनती है कि सारे जिवें साडा पंजाब सी, पंजाब वॉज नंबर वन इन एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट, इवन आर साइकिल इंडस्ट्री, साइकिल पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, आर होजरी, एवरीथिंग वी वर गोइंग राइट इन फ्रंट, वाई हैव वी गॉन बैक? आप फिर वापस ले आइए उस पंजाब नू। पंजाब वॉज नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, पंजाब वॉज नोन फॉर स्पोर्ट्स पर्सनल, वो कितने गए सारे स्पोर्ट्स पर्सनल? दिस टू टॉप नॉट ओनली नेशनली द ग्रेट्स, आई डोंट हैव टू से परदुमन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, आर हॉकी टीम्स, आई मीन द ग्रेट्स हैव ऑल बीन फ्रॉम पंजाब। वी नीड टू रिवाइव दिस। आप क्यों चिट्टे वल, गैंगस्टरिज्म वल, माफिया वल? ये जिन्हें अपना दिखाना है कलाकारी, स्पोर्ट्स दिखाए, अपना नाम रोशन करे, अपने पिंड का नाम रोशन करे, अपने स्टेट का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक्स तक जावे। क्यों किसी एक दूजे को मार कुट के, किसी का बर्बादी करके, कित एक्सटॉर्शन करके, गोली चला के? ये कोई वड्डी गल नहीं है। ये बहुत पहलवान है, अखाड़े च उतरे, बॉक्सिंग च उतरे, जूडो च उतरे, कराटे च उतरे, एथलीट होए, फील्ड च उतरे, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, सानू गर्व होएगा, असी पंजाब पुलिस से उन्होंने रिक्रूट करांगे। साडे बच्चे गुमराह हो रहे ने, सानू बचाना है, पिंड दे पिंड खाली हो रहे ने, सारे अमरीका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके बस रहे ने, क्यों? पंजाब तो सोना कोई जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस लाइक पंजाब। सारे लहराते हुए खेत, नदियां, दरिया, गुरुआ दी धरती, देयर इज नो प्लेस लाइक दिस, इट्स सो ब्यूटिफुल। आप क्यों छड़ के जा रहे हैं? लुक एट द ट्रैफिक कंडीशंस, कोई ट्रैफिक नो मंदा ही नहीं है। वी हैव टू, इट इज नॉट ओनली द पुलिस, सारे नो कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है,